बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोबियोलॉजी के चेक लिस्ट को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जनरल पैथोलॉजी के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख लेना और ये वाली वीडियो को भी लास्ट तक देख लेना। ओके, इस तरह से आपको चेक लिस्ट तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो हम चेक लिस्ट को रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अनवर माइक्रोबियोलॉजी, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है तो मुझे यहीं से देखना पड़ेगा। तो जनरल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसका डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वाल में क्या फर्क होता है? पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिक और मल्टी लेयर्ड होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर थिन और सिंगल लेयर होता है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद होती है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं होती। तो ये उल्टा लिखा हुआ, इसको ठीक कर लेना। पेरिप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। लिपा प्रोटीन कंटेंट ग्राम नेगेटिव में ज्यादा होता है। टैक्विक एसिड ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होगा, जबकि लाइपोपॉलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल की तरफ आते हैं, तो बैक्टीरियल की ग्रोथ साइकिल के अंदर चार फेजेस होते हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ फेज है। लैग फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, लॉग में सेल डिवीजन होती है, स्टेशनरी के अंदर जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो नंबर ऑफ सेल जितने बन रही होती है तो वो डेथ के बराबर हो जाती है, जबकि डेथ फेज के अंदर बैक्टीरिया का डिक्लाइन हो जाता है नंबर। ठीक है, इसके बाद नॉन जेनेटिक बेसिस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। तो नॉन जेनेटिक बेसिस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इसको हमने देखना है। तो जो जेनेटिक बेसिस है वो क्रोमोसोम की वजह से, प्लास्मिड की वजह से या ट्रांसपोसोम की वजह से होती है। नॉन जेनेटिक बेसिस के अंदर या तो बैक्टीरिया की वॉलिंग ऑफ हो सकती है ताकि ड्रग पहुंच नहीं पाती, या फिर बैक्टीरिया रेस्टिंग स्टेट के अंदर है, ग्रो नहीं कर पा रहे, या बैक्टीरिया प्रोटोप्लास्ट की फॉर्म में सर्वाइव कर रही है, या फॉरन बॉडी की प्रेजेंस है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट खराब हो गया है, या आर्टिफैक्ट्स है। तो पांच चीजें हैं, पेनिट्रेशन, रेस्टिंग स्टेट, प्रोटोप्लास्ट, फॉरेन बॉडीज और सेवरल आर्टिफैक्ट होती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के चार मैकेनिज्म होते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग है, मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग टारगेट होती है, परमिबिलिटी को कम कर देना और ड्रग को एक्सपोर्ट कर देना। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल। तो डीएनए सेल जो डीएनए ट्रांसफर होता है बिटवीन द बैक्टीरियल सेल, तो वो तीन मैकेनिज्म से होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। म्यूटेशन के आगे मजे तीन टाइप होती है, बेस सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट और इंसर्शन म्यूटेशन होती है। ओके, ठीक हो गया। जबकि सेम सेल के अंदर जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो ट्रांसपोसोम के जरिए या प्रोग्राम रीअरेंजमेंट के जरिए होता है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में फर्क पूछ रही है, और स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस है। तो स्टेजेस क्या होती है? ट्रांसमिशन है, इवेजन होती है, एडहेरेंस है, कोलोनाइजेशन है, डिजीज सिप्टम है, होस्ट रिस्पॉन्स और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है। और बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के क्या डिटर्मिनेंट होते हैं? सबसे पहले ट्रांसमिशन है, फिर एडहेरेंस होती है, यानी ये सेम पॉइंट है, इवेजन है, इन्फ्लेमेशन है, इंट्रासेलुलर सर्वाइवल है, और टॉक्सिन प्रोडक्शन है, लास्ट में इम्यूनोपैथोजेनेसिस होती है। ओके, ठीक हो गया। एपिडेमिक, पेंडेमिक और पेंडेमिक में क्या फर्क होता है? एंडेमिक रिलेटिवली लो लेवल के ऊपर होती है, एपिडेमिक हाई रेट के ऊपर, पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैले हुए होती है। अब एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में फर्क तैयार करना है। तो जो एक्सोटॉक्सिन उसका सोर्स ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन का जो सोर्स होता है ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होती है। एक्सोटॉक्सिन सिक्रेटेड होती है, एंडोटॉक्सिन सिक्रेटेड नहीं होती। केमिस्ट्री या पॉलीपेप्टाइड है, जबकि लाइपोपॉलीसैकेराइड होती है। इनके जीन प्लाज्मिड के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जबकि इनके जीन बैक्टीरिया फेज के ऊपर पड़े होते हैं। इनकी टॉक्सिटी हाई होती है, क्लिनिकल इफेक्ट ज्यादा होती है, मोड अफेक्शन नहीं होती है, जबकि इनका ऐसा नहीं होता। वैक्सीन इनके अवेलेबल होती है, इनके कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। हीट स्टेबिलिटी इसमें नहीं होती, इसमें हीट की स्टेबिलिटी होती है। इसकी एग्जांपल टेटनस और इसकी एग्जांपल मैंने जो कोक्सीमिया लिखी हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस है, तो ये भी हो गया। स्टरीलाइजेशन और डिसइंफेक्शन को कंप्लीट करना है। तो स्टरीलाइजेशन के अंदर जो तीन मैकेनिज्म होते हैं, केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, मेनली दो होते हैं, केमिकल और फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट को मजे तीन में डिवाइड करते हैं, हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन नाइट्रोसेलुलोज से बनी हुई होती है, पायरोजन फ्री फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करता है, जबकि अल्ट्रावायलेट के अंदर थायमिन, डायमंड बनती है। एक्सरे के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, फ्री रेडिकल बनाती है, फ्री रेडिकल कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिजिकल एजेंट में हीट आती है, हीट आगे तीन फॉर्म में होती है, मॉइस्ट या ड्राई हीट और पास्टराइजेशन होती है। जो मॉइस्ट हीट होती है उसमें ऑटोक्लेविंग यूज करते हैं, ऑटोक्लेविंग 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 प्रेशर के लिए, 15 से लेकर 20 मिनट के लिए। जो ड्राई हीट होती है 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 घंटे के लिए होती है। पास्टराइजेशन के अंदर 62 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए, या फ्लैश पास्टराइजेशन के अंदर 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए होता है। ओके, इसके अलावा जो डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसमें एडीपी आ जाएगा, अल्कोहल डिटर्जेंट और फिनोल आ जाएगा। ठीक है, जबकि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर AEFGHI, ए से क्या बनेगा? एसिड और एल्कलीस आती है। ई से बनेगा एथिलीन ऑक्साइड होता है। ओके, जो एफ है उससे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड है। जी से बनता है, हम कह सकते हैं ग्लूटरल्डिहाइड है। एच से हैवी मेटल्स बनते हैं, एच से हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है, और आई से आयोडीन बनता है। जबकि मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए के अंदर क्रिस्टल वायलेट और हम कह सकते हैं मेलाचाइड ग्रीन आ जाएगा। स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर ग्राम पॉजिटिव ग्रोथ सारे के सारे करने हैं, तो ग्राम पॉजिटिव रॉड वाली चैप्टर के अंदर चलती है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल ग्राम पॉजिटिव रॉड। तो ग्राम पॉजिटिव रॉड दो टाइप की होती है, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। जो स्पोर फॉर्मिंग होती है वो एरोबिक में बैसिलस और एनारोबिक के अंदर कोलिस्टीरिया, जबकि नॉन स्पोर फॉर्मिंग के अंदर कॉर्नी बैक्टीरियम, लिस्ट्रीरिया और गार्डिनेला वेजिनालिस होता है। बैसिलस को मजे दो में डिवाइड करते हैं, बैसिलस एंथ्रेक्सिस और बैसिलस सीरियस है। बैसिलस एंथ्रेक्सिस एंथ्रेक्स करवाता है, ग्राम पॉजिटिव रॉड है, नॉन मोटाइल होता है, रॉड्स है जिसके स्क्वायर एंड होते हैं, डी ग्लूटामेट कैप्सूल होता है। अब इसके जो हैबिटेट है वो सॉइल होती है, इसकी ट्रांसमिशन तीन पैटर्न से होती है, क्यूटेनियस इनहेलेशन और जीआईटी है। और जीआईटी है वो कंटेमिनेटेड मीट के लेने की वजह से होती है, इनहेलेशन एंथ्रेक्स होती है, लंग्स के अंदर इनहेलेशन की वजह से होती है। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स सॉइल के अंदर जो स्पोर होते हैं वो वुंड के अंदर एंटर
फैक्टर हो जाते हैं, जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस वाला है ये दो टाइप के एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, डीमा फैक्टर और लीथल फैक्टर। उसके दो सब यूनिट होते हैं, ए सब यूनिट के पास एंजाइमिक एक्टिविटी होती है, बी प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है यानी इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है वो इस डिजीज को प्रिवेंट कर देती है। डीमा फैक्टर और लीथल फैक्टर है, जो डीमा फैक्टर होता है डीनाइट्रेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा, साइक्लिक एएमपी फ्लूइड की आउटपोरिंग कराती है, डीमा करवा देती है। जबकि लीथल फैक्टर प्रोटीज होता है, फॉस्फोकाइनेज क्लीवेज होता है, एमएपीके को क्लीव कर देगा, जिसकी वजह से सेल की प्रोलिफरेशन ही होगी और सेल की डेथ हो जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स है, जिसमें ब्लैक इशार बनता है, डीमा होता है, मैलिग्नेंट पोस्टुल होता है, पेनलेस अल्सर होता है, इनहेलेशन के अंदर ड्राई कफ होती है, हेमरेजिक मीडिया स्टेनाइटिस हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, जीआईटी के अंदर एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया हो सकता है। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो कॉमी टेल अपीयरेंस होती है, बाकी पीसीआर रिलीज से सब लिख देना। वैसे ना सीरियस फूड पॉइजनिंग होती है, स्पेसिफिकली रीहीटेड राइस होती है, उनकी वजह से होती है। पैथोजेनेसिस में इसके पास एक दो एक्सोटॉक्सिन होते हैं, एक एक्सोटॉक्सिन कोलेरा टॉक्सिन जैसा काम करता है, डीनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है, वो साइक्लिक एएमपी के फॉस्फोराइलेशन करा देती है, डायरिया वगैरह हो सकता है। जबकि एक स्टाफिलोकोकस एंटीरोटॉक्सिन वाला काम करता है, फूड पॉइजनिंग करवा देता है, सुपर एंटीजन इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 की रिलीज को बढ़ा देता है। ओके, दो इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड और लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड में वॉमिटिंग और नौजिया होती है, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड में बार्टर या नॉन ब्लडी डायरिया होता है। कोलिस्टीडियम की तरफ चलते हैं तो कोलिस्टीडियम टेटनाई बॉटुलिनम परफिरिंजिस और डेफिसिल होती है। कोलिस्टीडियम टेटनाई टेटनस करवाता है, सॉइल के अंदर मौजूद होता है, वुंड साइड से एंटर होता है, पैथोजेनेसिस के अंदर जो टेटनस का टॉक्सिन होता है, एक्सोटॉक्सिन होता है, वेजिटेटिव सेल से प्रोड्यूस होता है एट द साइट ऑफ वुंड। ओके, तो वुंड साइड से एंटर होते हैं, टेटनस टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन होता है, वेजिटेटिव सेल से प्रोड्यूस होता है, गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा, वहाँ पे ग्लाइसिन और गाबा की रिलीज को ब्लॉक कर देगा। प्रोटीएज है और ऐसी प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज करवा देती है। क्लिनिकल फाइंडिंग में स्पास्टिक पैरालिसिस लॉग जाए एग्जैजुएटेड रिफ्लेक्स हो जाती है, टेटनस है, ठीक है। आगे रेजे सार्डोनिकस हो सकता है, टाइटनी वगैरह हो सकती है, फिस्टोटोनस हो सकता है, टर्मिनल स्पोर टेनिस रैकेट अपीयरेंस होती है। कोलेस्ट्रेडियम बॉचिलिनम में बॉचिलिज्म होता है, सॉइल के अंदर स्पोर होती है, इंप्रॉपर प्रिजर्व फूड के इनटेक होने की वजह से होता है। बॉचिलिनम टॉक्सिन प्रोटीएज होता है, ब्लड से होता है, पेरिफेरल नर्व के अंदर आएगा, एसिटाइलकोलाइन की रिलीज को ब्लॉक कर देगा। फ्रेजल पैरालिसिस होती है, डिप्लोपिया, डिस्फेजिया और रेस्पिरेटरी मसल फेलियर होता है। इसके दो क्लिनिकल फॉर्म होती है, वुंड बॉटुलिज्म और इन्फेंट बॉटुलिज्म। जो वुंड बॉटुलिज्म होती है इसमें जो स्पोर होती है वो वुंड के ऊपर जर्मिनेट करते हैं, जबकि इन्फेंट बॉटुलिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मैगट के अंदर ग्रो करता है, इसके लिए माउस प्रोटेक्शन टेस्ट वगैरह करते हैं। इसके बाद कोलिस्टीडियम परफिरिंजिस दो टाइप के डिजीज करवाता है, गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग होती है। तो फूड पॉइजनिंग वाला जो टॉक्सिन है वो स्टाफिलोकोकस एंटीरोटॉक्सिन वाला काम करता है, और फूड पॉइजनिंग वाला याद करना कि बैसिलस सीरियस वाला भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता था, ठीक हो गया। अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है कोलिस्टीडियम परफिरिंजिस, जो कि लैसिथिनेस होता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, आरपीसी को डैमेज कर देगा, हिमोलिसिस हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद कोलेस्टेडियम डेफिसिल, कोलेस्टेडियम डेफिसिल सूडा मेम्ब्रेनस कोलाइटिस वगैरह करवा देता है, नोजियो कॉमिल कॉज ऑफ डायरिया भी होता है। क्लिंडामाइसिन थर्ड जनरेशन सेफ्रोस्पोरिना कैंसर कीमोथेरेपी प्रोटोन पंप इनहिबिटर फ्लोराक्विनोलोन और एम्पिसिलिन की वजह से सूडा मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है। अब इसके जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेस होती है, एक्टिन की डीपोलीमराइजेशन कर देती है, साइटोस्केलेटल इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है, एपोप्टोसिस हो जाता है। जो एक्सोटॉक्सिन बी है ये लीडिंग रोल प्रोवाइड करता होता है, तो जो सूडा मेम्ब्रेनस की वजह से जो डायरिया होता है उसकी वजह से ही तो होता है। इसके बाद कॉर्निक बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, इसका जो टॉक्सिन होता है एडीपी राइबोसाइलेशन करता है, एलोंगेशन फैक्टर 2 की, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर सोर थ्रोट है, सर्विकल इंफर्टिलिटी या थिक ग्रे एडहेरेंट सूडा मेम्ब्रेन होती है थ्रोट के ऊपर, टॉन्सिल के ऊपर। कॉम्प्लिकेशन में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मायोकार्डिटिस, नर्व वीकनेस और पैरालिसिस वगैरह हो सकती है। आगे जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है वहां पर टेलोराइड प्लेट है, लॉफलर मीडियम होता है, तो वहां पर रेडिश ग्लैनुल्स होते हैं, टेलोराइड प्लेट के ऊपर ग्रे ब्लैक कॉलोनीज होती है, पीसीआर वगैरह टेस्ट होता है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजी मेनिनजाइटिस गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह करवाता है, टंबलिंग मोर्टिलिटी होती है, पास्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट की लेने की वजह से होता है। इसके अलावा जो ब्रुसिलोसिस है वो भी इसी की वजह से होता है, अनपास्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट को लेने की वजह से होता है। इसके बाद ग्राम नेगेटिव रोड एंटेरिक के अंदर ई कोलाई, साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो कोलेरा, सुडोमोनास एरिजिनोसा, प्रोटीएस, इन्होंने सारे ही लिख दिया है, सारे ही ऑलमोस्ट। चलो हम कोशिश कर लेते हैं, ई कोलाई है तो ई कोलाई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, टैबलेट डायरिया, ब्लडी डायरिया, न्यूनेटल मेनिनजाइटिस और सेप्सिस वगैरह करवा देता होता है। ओके, तो जो न्यू जो ई कोलाई होता है न्यूनेटल मेनिनजाइटिस बर्थ में एक्वायर्ड होता है, जबकि ट्रैवलर डायरिया कंटैमिनेटेड फूड की लेने की वजह से होता है। इसके तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रेन होती है, एंटीरोटॉक्सिजेनिक, एंटीरो इन्वेसिव और एंटीरो हेमरेजिक होती है। एंटीरोटॉक्सिजेनिक ने दो एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करनी है, जो हीट लेबाल टॉक्सिन और डीनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जबकि हीट स्टेबल टॉक्सिन ग्वानिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। जो डीनाइलेट साइक्लेज है साइक्लिक एएमपी को बढ़ाता है, साइक्लिक एएमपी फॉस्फोरिलेशन करती है। एंटीरो इन्वेसिव स्ट्रेन होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की एपिथेलियम को इन्वेड करती है, ब्लडी डायरिया करवा देती है। एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जो कि 28 एस राइबोसोमल आरएनए से एडीनिन को रिमूव करा देता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। जो एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन है O157S17 सॉल्बिटोल की फर्मेंटेशन नहीं करती। जो हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है इसमें हिमोलिटिक एनीमिया होता है, रीनल फेलियर होता है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। हिमोलिटिक एनीमिया जब होता है जब स्मॉल ब्लड वेसल की एंडोथेलियल सेल की डेथ होती है। ओके, जब आरबीसी डैमेज एरिया से पास करती है तो वो डैमेज हो जाती है, प्लेटलेट एडहियर होती है डैमेज एंडोथेलियल सरफेस के ऊपर, और किडनी एपिथेलियल सेल की डेथ की वजह से रीनल फेलियर हो सकता है।
ठीक हो गया, तो सेप्टिक इन्फेक्शन होती है, तो उसके अंदर जो कैप्सूल है, ओके, जो कैप्सूल न्यूनेटल मेनिनजाइटिस करवाता है कि एंटीजन की वजह से, जबकि एंडोटॉक्सिन होता है वो सेप्सिस, फीवर, हाइपोटेंशन और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन करवा देता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग करोगे, ब्लड एगर तो राउंड कॉलोनी होती है, मैकॉन की एगर पिंक कॉलोनी है, लैक्टोज फर्मेंटेशन पॉजिटिव है, ईओसिन मेथिलीन एगर के ऊपर ग्रीन शीन कॉलोनी आपको देखने को मिलती होती है। अब कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि ई कोलाई को दूसरे लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया से सेपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडोल को प्रोड्यूस करता है ट्रिप्टोफैन से, लाइसिन को यूज करता है, डाइसिन की डिहाइड्रोक्सिलेशन करता है, एसिटेट को वन कार्बन सोर्स के तौर पर यूज करता है, मोटिलिटी होती है, साल्मोनेला की तरफ आता है तो इसकी टाइफाइडल और नॉन टाइफाइडल स्पीसीज होती है, एंटेरोकोलाइटिस या सेप्टिसीमिया, टाइफाइड फीवर, ऑस्टियोमाइलाइटिस वगैरह करवा देता है, ठीक है, ओके। तो एंटेरोकोलाइटिस इसमें इन्वेजन और सब एपिथेलियल टिश्यू की इन्वेजन होती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की, ओके। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है लैमिना प्रोप्रिया के अंदर पेनिट्रेट करता है, इन्फ्लेमेशन और डायरिया वगैरह देखने को मिलता है। जो टाइफाइड फीवर है इसका इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट ऑफ पेयर पैचेस के अंदर ग्रो करता है, ओके, लीवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन की तरफ इन्वेट कर जाएगा। सेप्टिसीमिया ये एंटेरोकोलाइटिस के अंदर होता है या क्रोनिक डिजीज वाले के अंदर होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर एब्डोमेन के ऊपर रॉस स्पॉट्स होती है, एब्डोमिनल पेन है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, ल्यूकोपेनिया, एनीमिया, थ्रोमोसाइटोपेनिया वगैरह देखने को मिलता है। इसके लिए जो टेस्ट होती है लाइक ब्लड एगर है, टीएससी होता है, मैकॉनकी एगर है, यूसिन मिथाइलिन ब्लू है, एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, वाइडल टेस्ट वगैरह होता है, ठीक हो गया। शिगेला जो शिगेला सोनी है, बेसिलरी डिजेंट्री कराता है, लो आईडी 50 होता है, 100 ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं डिजीज करवाने के लिए, ठीक हो गया। डिस्टल आइलियम और क्लोन के म्यूकोसा को इन्वेट करता होता है, ब्लड डायरिया करवा देता है। साल्मोनेला और शिगेला में क्या फर्क होता है, जो साल्मोनेला गैस के प्रोडक्शन करता है, H2S के प्रोडक्शन करता है, जबकि साल्मोनेला H2S और गैस के प्रोडक्शन करता है, शिगेला के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। साल्मोनेला मोटाइल होता है जबकि शिगेला नॉन मोटाइल होता है, ओके। जो विब्रियो कॉलेरा है, विब्रियो कॉलेरा डिनेलेट साइक्लस को एक्टिवेट करता है, जो कि आयन चैनल के फॉस्फोरिलेशन करता है, एडिमा होता है, एडिमा नहीं होता बल्कि फ्लूइड की आउटपोरिंग होती है, डायरिया होता है, राइस वाटर स्टूल को रट्टा मार देना, ठीक हो गया, ओके। स्लो लैक्टोज फर्मेंटेशन के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते होते हैं, कैंपेला बैटर जुजिनाइन की वजह से वाटरी फूल्स मनिंग डायरिया होता है, कुलन बारी सिंड्रोम हो सकता है, ब्लडी डायरिया होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो, रिटर सिंड्रोम वगैरह हो सकती है, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ, तो ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हो गया। सूडोमोनास एरिजिनोसा कभी क्या रहेगा, तो जो सूडोमोनास एरिजिनोसा मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल कराता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेप्सिस, निमोनिया, सेलुलाइटिस, मेल्यूडोसिस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराता है। इसके पास पायोसियानिन और पायोवर्डिन होते हैं, पायोसियानिन ने पस को ब्लू कलर देना है जबकि पायोवर्डिन ने येलो ग्रीन पस कर देनी है, ठीक है, ओके। जो उसकी ट्रांसमिशन होती है एस्पायरेशन से होती है, फीकल कंटामिनेशन की वजह से होती है, या वाटर एरोसोल से ट्रांसमिशन होती है। पैथोजेनेसिस के अंदर एंडोटॉक्सिन होती है, एक्सोटॉक्सिन ए एंजाइम्स होती है, पायोसियानिन है और टाइप 3 सीक्रेशन सिस्टम है। जो एंडोटॉक्सिन होती है फीवर शॉक करवा देती है, एक्सोटॉक्सिन एडीपी राइबोसाइलेशन करता है, एलोंगेशन फैक्टर 2 की प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, एंजाइम लास्टेज और प्रोटीएज होती है जो कि हिस्टोटॉक्सिक होती है, जबकि पायोसियानिन सिलिया को डैमेज कर देता है। जो टाइप 3 सीक्रेशन सिस्टम है यह एक्सोटॉक्सिन को ह्यूमन सेल के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर देता है। तो निमोनिया सिस्टिक फिब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर होता है, कोडेल इन्फेक्शन है, क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, एक्थीमा गैंग्रीनोजम होता है, एंडोकार्डिटिस हो सकता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस मीडिया वगैरह हो सकता है, हॉट टब फोलिकुलाइटिस भी हो सकता है। इसके बाद माइकोबैक्टीरियम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो माइकोबैक्टीरियम को कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। पहले हम लेप्रोसी वगैरह को पढ़ लेते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी करवाता है जिसको हैंसन डिजीज कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के अंदर इसको लेबोरेटरी के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, कल्चर मीडियम पर ग्रो नहीं कर सकते, वीक एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग होती है, इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो करता है, दैट इज वाई स्किन और सुपरफिशियल नर्व के ऊपर ये ग्रो होता है, स्पेसिफिकली शमान सेल जो हिस्ट्रियोसाइट होती है और एंडोथेलियल सेल्स होती है। अब जो ऑर्गेनिज्म इन तीन जगह पर रेप्लिकेट करता होता है, ठीक है, ओके, जो नर्व का डैमेज वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। टूब्रिकल लेप्रोसी के अंदर हाइपोपिगमेंटेड एरियाज होती है, थिक एंड सुपरफिशियल नर्व होती है, स्पेसिफिकली अल्नर नर्व है और लॉस ऑफ सेंसेशन होती है। लेप्रोमाइटिस के अंदर मल्टीपल नोडुलर स्किन लेयर्स होती है, लाइनोनिन फेस होता है और एरिथेमा नोडुलम लेप्रोसम होता है। अब जो टूब्रिकुलर लेप्रोसी और लेप्रोमाइटिस लेप्रोसी में क्या फर्क होता है, टूब्रिकुलर लेप्रोसी को पॉसिबेसिलरी जबकि लेप्रोमाइटिस को मल्टीबेसिलरी कहते हैं। अब इसके अंदर जो लेयर्स होती है इससे 1 से लेकर 5 लेयर्स होती है जिसमें टिश्यू की डिस्ट्रक्शन ना होने के बराबर होती है, हाइपोपिगमेंटेड होती है, जबकि लेप्रोमाइटिस लेप्रोसी के अंदर जिसको मल्टीबेसिलरी कहते हैं इसमें 5 से ज्यादा लेयर्स होती है, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी सिमेट्रिक होती है, इसकी सिमेट्रिक होती है, नर्व ट्रंक इसमें एक नर्व ट्रंक इन्वॉल्व होती है, इसमें बहुत सारी नर्व ट्रंक होती है, इसमें नंबर ऑफ हिस्ट्रोफाइल बैसिलस कम होती है, इसमें ज्यादा होती है, इसमें ट्रांसमिशन के चांसेस रिलेटिवली कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इसमें इंटैक्ट होता है, इसमें इंटैक्ट नहीं होता। लेप्रोमाइन स्किन टेस्ट पॉजिटिव है जबकि इसमें नेगेटिव आता है। इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस होता है जबकि यहाँ पे इंटरफेरॉन बीटा प्रोड्यूस करता है। डायग्नोसिस क्लिनिकल साइन और सिम्पटम भी करती है, स्पेसिमन स्किन या नेजल स्क्रैपिंग से लेती है, जीएन स्टेनिंग पे लिपिड लेडिंग मैक्रोफेजेस होती है जिनमें एएफबी होता है, सीरोलॉजी के अंदर एजीएम आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट और पीसीआर एलिसा वगैरह परफॉर्म कर सकती है।
जो एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं उनको दो क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस करती है, जिनको रिन्यून क्लासिफिकेशन कहते हैं। पहला रेट ऑफ ग्रोथ और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ इग्वाइट होती है। तो जो फास्ट ग्रोथ वाली है उनको टाइप 4 कहते हैं। टाइप 4 कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम फोर्चियम चिलोनी कॉम्प्लेक्स होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर या प्रोस्थेटिक हिप जॉइंट वाले पेशेंट के अंदर डिजीज करवाती है, जबकि माइक्रोबैक्टीरियम एब्सेसेस लंग्स का एब्सेस करवाता है। माइक्रोबैक्टीरियम सिमिकमैटस मैग्मा का नॉर्मल फ्लोरा होता है, ठीक हो गया ओके। जबकि माइक्रोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर बीमारी फैला देती है। टाइप 3 के अंदर आते हैं ओके, लिटल या नो पिगमेंट होता है। जबकि माइक्रोबैक्टीरियम स्क्रोफिलियोसम है, स्क्रोफुला कराती है, ग्रैनुलोमेटस सर्वाइकल लंफेडिनाइटिस होती है। जबकि टाइप 1 के अंदर जिसमें हम फोटोक्रोमोजन आते हैं, येलो ऑरेंज पिगमेंटेड कॉलोनी होती है लाइट के अंदर, तो वो माइक्रोबैक्टीरियम कैंसाई और माइक्रोबैक्टीरियम मैरिनम होती है। माइक्रोबैक्टीरियम मैरिनम स्विमिंग पूल ग्रैनुलोमा होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एमडीआर और एक्सडीआर में क्या फर्क होता है, तो एमडीआर आइसोनियाजोल और रिफैम्पिन के लिए, एक्सडीआर आइसोनियाजोल रिफैम्पिन और फ्लोराक्विनोलोन के लिए होती है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के पास क्या सर्वाइवल फीचर्स होते हैं, माइकोलिक एसिड होता है, फॉस्फोलिपिडा फॉस्फेटाइड ऑफ एक्सडी होता है। माइकोलिक एसिड केमिकल से केमिकल डीहाइड्रेशन और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और इसी माइकोलिक एसिड की वजह से मैक्रोफेजेस के अंदर ग्रो करेगा, और ये एसिड फास्ट प्रॉपर्टीज की वजह से आती है। फॉस्फोलिपिड केजीएटी नेक्रोसिस को इंड्यूस करते हैं, फॉस्फेटाइड सर्वाइवल को बढ़ा देता है, वैक्स डी एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स को बढ़ा देती है, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर देती है। फैक्टर कौन कौन से प्री डिस्पोजिंग है, पॉवर्टी है, ओवर क्राउडिंग है, पुअर न्यूट्रिशन और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है। कोड फैक्टर रीहाइड्रोस डाइमेकोलेट होता है, कोई एक्सोटॉक्सिन कोई एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, ये एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि फेगोसोम को लाइसोसोम के साथ फ्यूज नहीं करने देती। अब इसके क्या हो सकते हैं, या तो जो पहला जो इनिशियल लेयन होती है वो गॉन फोकस होता है, लोअर लोब ऑफ लंग के अंदर देखने को मिलता होता है, उसकी हीलिंग हो सकती है फिब्रोसिस से, या फिर वो प्रोग्रेसिव डिजीज करवा सकता है, या फिर बैक्टीरिया करवा सकता है, मिलेरिया ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, या हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन हो सकती है, ठीक हो गया। दो टाइप की लेयन होती है, एक्सुडेटिव और ग्रैनुलोमेटस। एक्सुडेटिव एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, द साइट ऑफ इन्फेक्शन है, लोअर लोब के ऊपर देखने को मिलती है, दो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ट्यूबरक्लोसिस नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन और अर्ली सेक्रेटेड एंटीजन 6 होता है। ग्रैनुलोमेटस लिगेंड के अंदर सेंट्रल केजियस नेक्रोसिस होता है, एपिथेलाइट सेल और लैंग हैंड जॉइंट सेल होते हैं, जिसमें ट्यूबरकल बैसिलाई है, जो ट्यूबरकल है वो फिब्रोसिस या कैल्सिफिकेशन से हील होता है। जो गॉन कॉम्प्लेक्स है पैरेन्काइमल एक्सुडेटिव लिगेंड्स होती है, अलॉन्ग विद ड्रेनिंग लिम्फ नोड है। जो ऑर्गेनिज्म का सेपरेट है वो दो पाथवे से होता है, ट्यूबरकल बैसिलाई से और ब्लड स्ट्रीम से। जबकि उसके कुछ पार्टिकुलर सिम्टम होते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम के अंदर फीवर, फटीग, नाइट स्वेट सब में कॉमन है। जबकि पल्मोनरी के अंदर कफ होती है और हेमोप्टिसिस होती है। जीआईटी के अंदर एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ओरोफेरिंजियल के अंदर पेनलेस अल्सर, लोकल एडिनोपैथी है, रीनल के अंदर स्टेराइल पाइल यूरिया, फ्लैंक पेन, डब्ल्यूबीसी इन द यूरिन होती है, अदर के अंदर स्क्रोफुला, पोर डिजीज, एरिथेमा नोडोसम होता है, मिलेरिया ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूबरक्लोस मेनिनजाइटिस हो सकता है। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर जीएन स्टेनिंग, लोवेनस्टाइन जेंसन मीडियम है, और ओरामिन स्टेनिंग होती है, बैक्टेक मीडियम होता है कल्चर वगैरह के लिए, ठीक हो गया। ससेप्टिबिलिटी और मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, वो म्यूटेशन को डिटेक्ट करते हैं, लूसीफेरेज एसी है, ये भी रेजिस्टेंस वगैरह के लिए होता है। जबकि पीपीडी टेस्ट और इंटरफेरॉन गामा ये लेटेंट के लिए होते हैं, ओके हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेटेंट वाला। अगर 15 मिलीमीटर की ड्यूरेशन ज्यादा है तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अगर 10 मिलीमीटर तो हाई रिस्क फैक्टर है। जबकि 5 मिलीमीटर का मतलब है कि डेफिशिएंट सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, और 5 लेकर 10 आती है तो उसका मतलब बैसिलस कालमिटी ग्यूरिन वैक्सीन वगैरह ली गई है। इसके बाद वो आ जाती है माइकोलॉजी के अंदर। माइकोलॉजी के अंदर कैंडिडा आपने कौन कौन से तैयार करने हैं, कैंडिडा है, एस्पर्जिलस है, न्यूफॉर्मस है और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है ओके। तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम को देख लेते हैं। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के बाद दो टाइप के सेक्सुअल सपोर्ट होते हैं, ट्यूबरक्लेट और माइक्रोकोनिडिया। ट्यूबरक्लेट मैक्रोकोनिडिया होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जबकि माइक्रोकोनिडिया स्मूथ वाल सपोर्ट होती है, थर्मली डायमॉर्फिक होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग कहते हैं कैविटेटेड लंग नहीं है, ग्रैनुलोमा लेवल और स्प्लीन के अंदर होता है, पैनसाइटोपेनिया और टंग के अल्सर होती है। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर स्किन का टेस्ट करते हैं, हिस्टोप्लाज्मा से सेपरेट डायगर के ऊपर ट्यूबरक्लेट मैक्रोकोनिडिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होते हैं, ठीक है। जबकि कोकाइडियोट्स के अंदर सेफ्रियोल होते हैं, हिस्टोप्लाज्मा में मैक्रोफेजेस के अंदर यीस्ट होता है, ब्लास्टोमाइसिस के अंदर सिंगल ब्रॉड बेस वेस्ट है, पैराकोकाइडियोट्स के अंदर मल्टीपल बर्ड्स होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस की तरफ आती है, तो कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस एस्पर्जिलस और म्यूकोराइज़ोपस है। तो कैंडिडा है, कैंडिडा में यीस्ट सूडो हाइफी बनाते हैं, क्रिप्टोकोकस के अंदर लार्ज कैप्सूल होता है, एस्पर्जिलस के अंदर सेपरेट हाइफी है, जबकि म्यूकोराइज़ोपस के अंदर नॉन सेपरेट हाइफी होता है। कैंडिडा थ्रैश मेजेनाइटिस, एसोफेजाइटिस, डायपर रैश, राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस, एंडोफ्थैल्माइटिस, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन और क्रॉनिक म्यूकोक्यूरिनियस कैंडिडियासिस करवा देता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो ये ओवल यीस्ट है जिसका सिंगल बट होता है, ग्राम पॉजिटिव यीस्ट है, टिश्यू के अंदर हाइफी और यीस्ट के यीस्ट या सूडो हाइफी के फॉर्म में होता है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक और जीआईटी का नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है। अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है ओके, या स्किन या म्यूकोसल बैरियर डैमेज हो गया, फॉरेन बॉडीज है, या एंटीबायोटिक्स ने नॉर्मल फ्लोरा को सप्रेस कर दिया, तो फिर इसका इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट, क्लाइमेटस सपोर्ट फॉर्मेशन, जम ट्यूब फॉर्मेशन, ये इसको डिफरेंट स्पीशीज से डिफरेंशिएट कर देती है। क्लाइमेटस सपोर्ट फॉर्मेशन याद करना कि ये उसमें भी बनती थी कैंपेलोबैक्टर जुजिनाई के अंदर। अब जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मर है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मर ओवल बडिंग यीस्ट होता है, नैरो बेस बर्ड है, वाइट पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में इंडियन रिंग प्रिपरेशन होती है, इसके अलावा मेथिनामिन स्टेन है, म्यूसिकरमेन स्टेन है और पीरियोडिक एसिड स्किप स्टेनिंग होती है, ठीक हो गया। सबरा डायगर के ऊपर म्यूकार्ड यीस्ट कॉलोनी से होती है, क्रिप्टोकोकल एंटीजन
टेस्ट होता है। एस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस के वजह से एस्पर्जिलोसिस है, एबीपी है, फंगस बाल एस्पर्जिलोमा होता है। एस्पर्जिलोमा के लिए आईजीजी प्रेसिपिटेंट होती है, जबकि आईजीजी का लेवल एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पर्जिलोसिस में बढ़ जाता है। ग्लेक्टोमेलाना एंटीजन इन्वेसिव एस्पर्जिलोसिस के अंदर होता है। सेपरेट डैगर के ऊपर रेडिएटिंग चेन ऑफ कोनिडिया है, जबकि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर सेपरेट आईपी है जो टिश्यू को इन्वर्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो ये माइकोलॉजी हो जाएगा। डर्मेटोफाइट्स को तो करना ही करना है, वो तो इंपॉर्टेंट है। तो डर्मेटोफाइट्स की तरफ अगर आ जाते हैं तो डर्मेटोफाइट के अंदर ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन आ जाती है। एपिडर्मस हेयर और नेल्स को अफेक्ट करती है। डर्मेटोफाइट के इन्फेक्शन को टीनिया या रिंग वर्म कहते हैं। टीनिया कैपिटस स्कार्प के ऊपर, टीनिया बार्बी बियर्ड के ऊपर होता है, टीनिया कॉर्पोरस बॉडी के ऊपर होता है, टीनिया क्रूराडिस ग्रोइन के ऊपर होता है, टीनिया पेडिस एथलीट फुट है, टीनिया उंगियम नेल्स के ऊपर होता है। प्रॉपर्टी फिलामेंटस होती है, मॉल्ड होती है, केराटिन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फंजाई होती है, सुपरफिशियल केराटिनस लेयर के अंदर ग्रो करती है और इनकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को आईडी रिएक्शन कहते हैं। लाइक एक जगह के ऊपर, लाइक फिंगर के ऊपर डर्मेटोफाइट्स है और हाइपर सेंसिटिविटी फीट के ऊपर हो रही है, तो उसको आईडी रिएक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर रैश होती है, इन्फ्लेम्ड सर्कुलर बॉर्डर होती है, ओके, प्रूरेटिक लेजन्स होती है और ब्रोकन हेयर और नेल्स देखने को मिलते होते हैं। वुड लैम्प माइक्रोस्पोरम के लिए स्पेसिफिक होता है। वायरोलॉजी की अगर बात करते हैं तो वायरोलॉजी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, तो वायरोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, वायरस का स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि लाइक वायरस के अंदर प्रोटीन कौन कौन सी होती है, वायरस के एनवेलप क्या होता है, नेकेड वायरस और एनवेलप वायरस में क्या फर्क होता है। तो नेकेड वायरस होती है एनवायरमेंट में सर्वाइव कर जाती है, जबकि एनवेलप वायरस लेस स्टेबल होती है, इजिली इनएक्टिवेटेड होती है। नेकेड वायरस को फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट करा सकती है, लेकिन एनवेलप वायरस को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही ट्रांसमिट करा सकते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा वायरस और प्रियॉन का फर्क पूछा जाता है। जो वायरस होते हैं, ओके, ये इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं जिनके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रियॉन के पास सिर्फ प्रोटीन होते हैं, कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। ठीक हो गया। ये वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन कराती है, प्रियॉन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज करवाती है। प्रियॉन चूंकि हमारी बॉडी के प्रोटीन है तो इनको अल्ट्रावायलेट लाइट से इनएक्टिवेट नहीं कर सकते, एंटीबॉडी भी नहीं बनती, इन्फ्लेमेशन वगैरह भी इंड्यूस नहीं होती। ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेज है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेज पूछ रहे हैं। ओके, तो डीएनए वायरसेस है, तो डीएनए वायरसेस का क्या क्लासिफिकेशन होती है, तो डीएनए वायरस के अंदर आपने कौन कौन से वायरस को याद रखना है, तो हर्पीस वायरस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा पॉक्स वायरस है और हेपेटिना वायरस है। ओके, जबकि एडिनो वायरस, पैपिलोमा वायरस, पैलेमा वायरस और पैरावा वायरस एप, ये इसका मिमोनिक होता है एप, जबकि एचएचपी, अब ये क्या होता है, एनवेलप इनके पास होता है, हेपेटिना, हर्पीस और पॉक्स के पास, जबकि एडिनो वायरस, पैपिलोमा वायरस और पोलीमा वायरस के अंदर कोई एनवेलप नहीं होता, पैरावा वायरस नेकेड वायरस होता है। ठीक हो गया, स्मॉलेस्ट वायरस होता है। ओके, क्लासिफिकेशन है और कुछ इंपॉर्टेंट वायरस हैं, मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, आप इनको खुद देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं पिछले एक घंटे से लगातार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वायरसेस कौन कौन से आपने तैयार करने हैं, हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस को तैयार कर लेना आप। इसके अलावा एचआईवी है, लास्ट में से एचआईवी है, पोलियो वायरस है, डेंगू वायरस है, पोलियो वायरस है, रोटा वायरस का आता है ज़्यादा नहीं आता, कोरोना वायरस को देख लेना फिर भी। ठीक है, हर्पीस वायरस को देख लेना। ओके, जबकि जो पैरासाइटोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी के अंदर पहले चैप्टर में सिर्फ एंटीबायोटिक सोलिटिका, दूसरे चैप्टर के अंदर एंटीबायोटिक सोलिटिका, दूसरे चैप्टर के अंदर प्लास्मोडियम को बेसिक याद रख लेना। ठीक है, और जो नेमाटोड है, टिश्यू नेमाटोड को छोड़ देना, नेमाटोड को तैयार कर लेना। सिस्ट्रोड के अंदर इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस है, ठीक है, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस है, डाइपलोबोथ्रिन को भी देख लेना और ट्रिमाटोड के अंदर शिस्टोसोमा को देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।